हमारे ऑडियंस को पहुंचा रहे। अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त पुलिस हिरासत में है और सपा कार्यकर्ताओं समेत अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। आपको यह अहम जानकारी पहुंचा रहे, बता दें अभी तक आपको जो तस्वीरें हम लाइव दिखा रहे थे उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे थे और मांग कर रहे थे कि अपने समर्थकों के साथ उन्हें लखीमपुर खीरी के उस गांव जाने दिया जाए जिस गांव में ये घटना हुई। फिलहाल अब तक ये महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी पहुंचा रहे। सपा कार्यकर्ताओं समेत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और साथ ही रामगोपाल यादव को भी हिरासत में ले लिया है। तो तमाम जो बड़े कार्यकर्ता और बड़े नेता अखिलेश यादव के साथ मौजूद उनको हिरासत में लिया गया है। बता दें भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इस बीच यही कहा जा रहा कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना देखी जाए। धारा 144 लखीमपुर खीरी में लगाई गई है और पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के जो जिले हैं लखीमपुर खीरी के वहां पर ज्यादा मुस्तैदी देखी जा रही है। फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं, सपा कार्यकर्ता समेत रामगोपाल यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ। इस बीच जो तस्वीरें थी हमने आपको दिखाई किस तरह से पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। ओम पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए। ओम, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं फिलहाल हमने अपने दर्शकों को दिखाई, लेकिन इस बीच अगर हम बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव इनको भी समर्थकों समेत हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट इस बीच, क्योंकि अखिलेश यादव धरने पर बैठे थे और अब वो पुलिस हिरासत में है। देखिए ये वो हुजूम है, वो काफिला है जो अखिलेश यादव का है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो काफिला जहां एक तरफ पीछे लगाया गया है तो दूसरी तरफ जो आगे की तस्वीर है वो सामने जो साफ तौर से मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव वो जो पुलिस की गाड़ी है उसी गाड़ी में अखिलेश यादव को बैठाला गया है, उसी गाड़ी में अखिलेश यादव मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अखिलेश यादव को इस समय जो है वो पुलिस और प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया है, यानी अपने गाड़ी में बैठा लिया है। यही कारण है कि जो कार्यकर्ता हैं वो और भी उग्र हो गए हैं। साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो अधिकारी हैं उन्होंने अखिलेश यादव को मैं और प्रयास करूंगा कि नजदीक पहुंचूं गाड़ी के और आपको दिखाने का पूरा प्रयास करूं। ये वो पहुंचने की कोशिश कीजिए। इस बीच हम अपने दर्शकों तक ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, दर्शकों को ये लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं और साथ ही आपको बता दें कि अखिलेश यादव हिरासत में ले लिए गए हैं, उनके साथ रामगोपाल यादव, तमाम कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है। पहले ही योगी सरकार की तरफ से कहा गया, फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख लीजिए, कहा गया कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैलाई जाए, जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं किया जाएगा और साथ ही निष्पक्ष जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें तमाम नेता लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी यही कोशिश नहीं जाने पर उन्होंने अपने आवास के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और अब फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जनतंत्र टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप, ये वही गाड़ी जिसमें अखिलेश यादव को बिठाकर हिरासत में लिया गया। हमारे साथ ओम लगातार लाइव जुड़े हैं। ओम, फिलहाल अखिलेश यादव की जो लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिरासत में लिए हुए और तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, एक जमावड़ा देखा जा रहा है, जो हुजूम देखा जा रहा है यहाँ पर पूरी तरह से दर्शक देख पा रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ वहां से अपडेट मिल पा रही? साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से अखिलेश यादव को जो है वो गाड़ी में, इसी गाड़ी में बैठाला गया है। जनतंत्र टीवी आपको साफ तौर से दिखा रहा है किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है अखिलेश यादव को पुलिस और प्रशासन के तमाम जो आला अधिकारी हैं लेकिन उसी बीच में लगातार जो प्रदर्शन है वो होता जा रहा है। तस्वीरों से साफ देखा जा रहा है कि बहुत ही भीड़ यहां पर जमासी हो गई है। जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहां पर हिरासत में लिया गया, एक बहुत बड़ी संख्या देखी जा रही है समर्थकों की यहां पर। फिलहाल अभी जो कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया है, अगर हम जाने की कोशिश करें अगला क्या स्टेप हो सकता।
ओम तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिलहाल ये आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब अखिलेश यादव निकले थे लखीमपुर खीरी के लिए, लेकिन इन्हें पहले ही रोक दिया गया। ये आवास के बाहर की तस्वीरें जब अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे। ओम, अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं समेत हिरासत में ले लिए गए हैं। ये तस्वीरें तो अब हर जगह पहुंच चुकी, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये तस्वीरें उग्रता फैला रही हैं। फिलहाल शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था को लेकर पूरे कड़े इंतजाम हैं। आरपीएफ के जवान भारी मात्रा में हैं, उसके साथ साथ कई कंपनियां जो पीएससी की हैं वो यहां पर लगा दी गई हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है, उसके पीछे जो है पुलिस की जो आला अधिकारी हैं जहाँ उनके साथ वो मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ये जो साफ तौर से काफिला है अखिलेश यादव का वो पीछे चल रहा है। उसके साथ साथ आपको बता दें पुलिस और पीएससी के जो आला अधिकारी हैं, उसके साथ साथ जो आरपीएफ के भारी संख्या में जवान हैं, किस तरह से लगातार अखिलेश यादव को चारों तरफ से घेर कर रखकर जो है ये जो चौराहा है ये आगे वीआईपी जो गेस्ट हाउस है वो वहाँ तक जाता है, और कहीं ना कहीं ये पीछे का जो स्थान है वो स्थान जो है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। अवसरवादी है और चुनाव सिर पे है, तो उसको देखते हुए एक पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। अब लखीमपुर की तरफ जाएंगे और पॉलिटिकल टूरिज्म के साथ साथ एक जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होता है उसके लिए भी होड़ लग गई है, और फोटो ऑप बने, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है विपक्षियों के लिए। मगर सरकार अपना काम कर रही है और सरकार ने पहले भी कहा है और मुख्यमंत्री स्वयं इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भी दोषी होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब प्रियंका गांधी वहां जा रही थी रात में, उन्होंने रोकने के बावजूद ट्रैक कर लिया और उनको नहीं। देखिए, ये इन लोग का है, ये सब पहले से करते आए हैं, आपने पहले भी देखा है प्रियंका वाड्रा जी का। मगर ये सब जो चीजें हैं उससे आप कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसको खराब करना चाहते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को अलग करना चाहते हैं। ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। आप कम से कम उसमें 24 घंटे तो हो जाने दीजिए, उससे रिजल्ट आ जाने दीजिए। सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कह रही है, तो इस लोकतंत्र में अधिकार है, आप अपना पक्ष रखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और उसके बाद और भी बड़े कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है, अन्य चीजें हैं, उसमें भी आप जा सकते हैं। मगर ये कि एक फोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। कई नेताओं को रोका गया, हवाई जहाज में उतरने दिया गया, तो इसमें सरकार की क्या मंशा है? नहीं, देखिए, सरकार नहीं चाहती कि जो अब वहां पर हम लोग के अधिकारी एडीजी लेवल के गए थे और एक एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के गए थे, वहां पे सब लोग ने मिलके वहां पे शांति बना रखी है। अब उस शांति को कोई वहां पे और शांति को गड़बड़ करे वो सही नहीं रहेगा। तो सरकार हमेशा चाहती है कि शांति का माहौल रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.